कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में बीएड परीक्षा स्टार्ट हुई। जी हाँ दोस्तों, प्रथम दो पालियों की परीक्षा यहाँ पर संपन्न हो गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी यहाँ पर पालन नहीं किया गया, कोई भी यहाँ पर कोविड 19 का पालन नहीं किया गया। इस परीक्षा में पूरी पूरी धज्जा उड़ गई। जी हाँ दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पूरी धज्जा उड़ गई। कोविड 19 के मानकों का कोई भी पालन यहाँ पर नहीं हुआ। आप लोग साफ साफ देख रहे होंगे, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर कोई भी पालन नहीं हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बीएड परीक्षा में कोरोना वायरस की पूरी तरीके से धज्जा उड़ गई, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पूरी धज्जा उड़ गई और बहुत से छात्र ऐसे थे जो बिना परीक्षा दिए ही अपने घर की तरफ लौट गए। जी दोस्तों, बहुत से छात्र ऐसे थे जो बिना परीक्षा दिए ही अपने घर की तरफ लौट गए भीड़ को ज़्यादा देखकर। उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में 1089 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कराई गई, जिसमें 4.5 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। दोस्तों यह परीक्षा दो पालियों में संपन्न हुई, पहली पाली और द्वितीय पाली में। बहुत ज़्यादा परेशान दिखे और छात्र इधर उधर घूमते भी दिखे। देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मानकों का पालन नहीं हो रहा है। दोस्तों बता दें आपको, सबसे पहले यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई। जी हाँ दोस्तों, किसी भी केंद्र में सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद ही किसी बच्चों को यहाँ पर एंट्री दी गई। दोस्तों कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर बीएड परीक्षा संपन्न रही और जिसमें सभी विद्यार्थियों को विशेष ध्यान दिया गया, सभी बच्चों को यहाँ पर सैनिटाइजर कराकर ही अंदर प्रवेश दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के किसी भी विद्यार्थियों को अंदर एंट्री नहीं दी गई। आप लोग साफ साफ देख रहे होंगे इमेज में कि सभी विद्यार्थियों को थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है, उसके बाद ही जाकर सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर एंट्री दी गई है। दोस्तों बहुत से छात्र ऐसे थे जो बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के परीक्षा में एंट्री ले लिए। जी हाँ दोस्तों, बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के परीक्षा में एंट्री ले लिए। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत से छात्र ऐसे थे जो अभी तक अपना एडमिट कार्ड ही प्रिंट आउट नहीं कराए थे और सड़कों पर इधर उधर घूमते भी ले। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ गई। आप सब लोग देख रहे होंगे परीक्षा केंद्रों पर पूरी पूरी भीड़ है। दोस्तों आपको बता दें कि कोई छात्र यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। जी दोस्तों, कोविड 19 का जितने भी मानक हैं उनका कोई भी पालन नहीं हो रहा है। सभी छात्र एक दूसरे टच में दिख रहे हैं। जी दोस्तों, सभी छात्र एक दूसरे टच में दिख रहे हैं, जिससे कोरोना महामारी का खतरे का बढ़ने का पूरा पूरा संभावना दिख रही है। जी दोस्तों, पूरी पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। छात्रों ने यहाँ पर कोई भी पालन नहीं किया है, जबरदस्त यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जा उड़ी है। जैसे ही परीक्षा केंद्रों सभी छात्रों ने छूटा, उसके बाद सभी छात्र अपने घर घर के रवाना हो गए। या दोस्तों, सभी छात्र अपने घरों के लिए रवाना हो गए। दोस्तों यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी पूरी धज्जिया उड़ी और कोई भी छात्र यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। सभी छात्र एक दूसरे टच में दिखाई दिए। अब आने वाले समय में पता चलेगा कितने छात्र यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव होते हैं और कितने छात्र यहाँ पर कोरोना निगेटिव होते हैं। जी दोस्तों, आप बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हुआ। आगे देखते हैं कैसे कैसे परीक्षाएं आप संपन्न होती है। लेकिन दोस्तों कई से ऐसे जगहों थे जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ध्यान रखा गया और सभी छात्रों को यहां पर नियमित चेकअप कर ही अंदर एंट्री दी गई। दोस्तों आशा करता हूं आपको जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी। चैनल को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थी सतर्क हो जाएँ और सभी विद्यार्थी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और परीक्षा का आनंद लें। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार